नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोम क्या होता है और ये एक इकोसिस्टम से किस तरह से अलग होता है। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बायोम बताता हूँ कि बायोम क्या होता है। जैसे कि ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे विभिन्न तरीके के भौगोलिक क्षेत्र को आपने देखा होगा। जैसे कि आपने कहीं पे रेगिस्तान देखा होगा, कहीं पे आप घास के मैदान देखते होंगे, कहीं पे आप जंगल देखते होंगे, कहीं पे आप सागर या महासागर देखते होंगे, कहीं पे आप ठंडी वनस्पति या जलवायु देखते होंगे। तो ये सभी क्या है, एक बायोम का निर्माण करती है। जैसे कि डेजर्ट को ले लीजिए, डेजर्ट आपका नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, अरब में पाया जाता है, मंगोलिया में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यानी रेगिस्तान ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक जगह है, रेगिस्तान आपके जगह जगह पाए जाते हैं। और इन सभी में आपको एक समानता देखने को मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे बालू का टीला देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको रेंगने वाले जीव देखने को मिलेंगे, कांटे वाले वनस्पति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। तो ठीक है ना, तो ये क्या है, डेजर्ट जो है, डेजर्ट अपने आप में एक बायोम है और एक बायोम के अंदर में बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। उसी तरह से अगर आप घास के मैदान को ले लीजिए, तो घास के मैदान भी आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह पाए जाते हैं। इन सभी में एक समानता देखने को मिलेगी, इनकी जलवायु में आपको समानता देखने को मिलेगी। तो ये जो घास के मैदान है, ये अपने आप में एक बायोम का निर्माण कर रहे हैं और उस बायोम के अंदर में बहुत सारे इकोसिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए बायोम को और अच्छे से समझते हैं। हमारी पृथ्वी पे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र विद्यमान हैं, जैसे कि रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सागरीय क्षेत्र या फिर टुंड्रा वनस्पतियां। और इनकी जो खासियत होती है कि एक बायोम में बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं और प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ समानताएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि वहां की क्लाइमेट में आपको कुछ समानता देखने को मिलेगा, वहां पे प्रजातियों की शारीरिक संरचना में आपको समानता देखने को मिलेगा, समान जलवायु आपको देखने को मिलेगी और जीवन चक्र में भी आपको समानता देखने को मिलेगा। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए घास का मैदान है, तो घास के मैदान में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आपको शेर देखने को मिलेगा, आपको चीता देखने को मिलेगा, यहाँ पे छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, जिराफ देखने को मिलेगा, गेंडा देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखें तो आप कहीं भी चले जाइए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप नॉर्थ अमेरिका के किसी घास के मैदान को अगर आप इधर के घास के मैदान से कंपेयर कीजिए, तो यहाँ इन दोनों के बीच में आपको समानता देखने को मिलेगी। जो जीव यहाँ पाए जाएंगे वही जीव यहाँ पाए जाएंगे, जो वनस्पति आपको यहाँ देखने को मिलेगी वही वनस्पति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसी तरह से अगर आप रेगिस्तान को देख लीजिए, तो रेगिस्तान में यहाँ पे जो जीव पाए जा रहे हैं वही यहाँ पे पाए जाएंगे, वही यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच में ये जलवायु की जो समानता हुई, शारीरिक संरचना में जो समानता हुई, वनस्पति की जो समानता हुई, ये सभी मिलके अपने आप में एक बायोम का निर्माण करता है और उस बायोम के अंदर में विभिन्न तरीके के आपको पारिस्थितिकी तंत्र देखने को मिलते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र सजीव की सजीव और निर्जीव के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है और उनके बीच में जो ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यानी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट मिलके क्या करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं और उनके बीच में एनर्जी का फ्लो होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि बायोम कितने तरीके का होता है। वन बायोम पाए जाते हैं, सवाना बायोम पाई जाती है, घास भूमि बायोम पाया जाता है, मरुस्थली बायोम आपको देखने को मिलेगा और टुंड्रा बायोम आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।